जब एक आंदोलनकारी थे स्वामी जी, तो उन्होंने आंदोलन की इस प्रकार भूमिका निभाई थी कि भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी ने बठिंडा स्थान पर कहा था पंजाब में कि मुझे यदि ये स्वभाव ऐसे मिल जाए तो मैं देश को बहुत पहले आज़ाद करा सकता था। वो स्वामी जी हैं। और बात कर रहे हैं हम एक विश्वविद्यालय की, अरे यार उनके नाम से तो प्रत्येक प्रदेश में एक विश्वविद्यालय होना चाहिए, एक बड़े की बात क्या है। नमस्कार, मेरा नाम है अवधेश और आप देख रहे हैं जनता का राज। मेरी मौजूदगी इस समय हमीरपुर जिले के राठ में है और पीछे थोड़ा सा दिखा दे श्री कृष्ण स्वामी ब्रह्मानंद महाविद्यालय में हम लोग हैं और आज विश्वविद्यालय बनाने की बात को लेकर यहां धरना दिया जा रहा है, जिसमें कुछ समय से पहले दो युवा जिनका नाम लूँगा धीरू बाबा, जिन्हें धीरू बाबा करहारा और जयकरण राजपूत, ये दोनों लोग लगातार फेसबुक पर पोस्ट कर रहे थे और विश्वविद्यालय के लिए जवाब तलब है, मांग रहे थे जवाब कि विश्वविद्यालय जो सरकार वचनबद्ध है उसमें क्यों देरी हो रही है, जबकि धरना यूपी सरकार के कान खोलने के लिए है या महाविद्यालय की प्रबंध समिति को जवाब तलब करने के लिए है। मेरे ये सवाल है आपसे, ये धरना किस लिए है? यह धरना यहाँ जो हम लोगों को जानकारी है जितनी जी, सरकारों ने कई बार यहाँ विश्वविद्यालय बनवा, एक बार तो भेजा ही है जो कि इस समय बांदा में स्थापित है, तो हमें लगता है कि शायद समिति की कोई कमी होगी तभी विश्वविद्यालय नहीं बन पा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि समिति इससे सहमत है और जमीन भी उसके लिए अलॉट कर चुकी है, लेकिन हम लोग कैसे मान लें भाई। हम लोग इतने सालों से हर साल लगभग 1500 युवाओं की जिंदगी बर्बाद हो रही है, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, क्षेत्र की बच्चियाँ शिक्षा से वंचित हैं, हम लोग क्यों शांत बैठे हैं? इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि जब तक बैठे रहेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। कहा जाता है कि जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक माँ भी दूध नहीं पिलाती है, इसीलिए हम लोगों ने यह धरने का आयोजन किया। क्योंकि धरना हम लोग बिल्कुल अराजनैतिक रखना चाहते थे। हाँ, मुझे बहुत दुख हो रहा है, अगर वीडियो यहाँ के जाएंगे तो मुझे बहुत दुख हो रहा है कि यहाँ पर राजनीति भी हो रही है, बिल्कुल। इसीलिए चूंकि मैं आयोजक में रखा गया हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं कार्यक्रम को सफल भी बनाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। यहाँ पर राजनीति ना हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा और हमारे जो लक्ष्य है विश्वविद्यालय का उसी पर बात हो, लगातार सभी लोग इसी के लिए प्रयासरत हों, हम लोग लगातार धरने पर बैठे रहेंगे। धन्यवाद। बढ़िया। और मुकेश जी हैं और मुकेश जी का परिचय ये है कि मुकेश जी जिला अध्यक्ष हैं जालौन से आम आदमी पार्टी के, तो जिस तरह से इस आंदोलन में युवा भी कूद रहे हैं तो आप कितना सहमत हैं धीरू जी की बात से? मुकेश जी देखिए, ये कार्यक्रम कहीं ना कहीं हमारे आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए किया जा रहा था जी। हम लोग चाहते थे कि एक जन चौपाल की तरह एक कार्यक्रम हो जिसमें समिति अपना पक्ष रखे और सरकार के प्रतिनिधि अपना पक्ष रखें, परंतु इस कार्यक्रम में कुछ चीज़ें उतार चढ़ाव आता रहता है, लेकिन ये आवाज़ हम लोगों की बुलंद रहेगी क्योंकि हमारा ये विषय शिक्षा का विषय है और आने वाले भविष्य का विषय है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे क्षेत्र में अभिभावक आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं जिससे बच्चियों को बाहर जाने में असुविधा होती है और उनकी शिक्षा पूर्ण रूप से नहीं हो पाती है। इसी मुहिम के लिए हम लोग यहाँ समर्थन करने आए थे और एक युवा और छात्र होने के नाते इस मुहिम को हम हमेशा समर्थन करते रहे। जैसे भी कोई भी आंदोलन होता है रामजी भैया, तो आंदोलन के साथ जो भी पार्टी रहती है प्रदेश में सरकार रहती है वो आंदोलन के साथ ये चीज़ें जुड़ जाती है कि इन्हें विपक्ष सहायता कर रहा है और ये चीज़ें हम आए चाहे जो भी आंदोलन देखते आए हों, इस बात से कितना सहमत है कि ये आंदोलन हमेशा से जो विपक्ष मदद करती है आंदोलन में ये भी चल रहा है क्या? इस प्रकार की गतिविधियाँ उत्पन्न होना स्वाभाविक होता है। जैसे सरकार जनता का तो हमेशा जो भी भाषण होना चाहिए, जो भी मांग होनी चाहिए वो सरकार के खिलाफ होनी चाहिए। जिस प्रकार मीडिया का काम होता है कि सरकार का विपक्ष दिखाना, उसी प्रकार जनता जो अपनी मांगे रखेगी तो उस विपक्ष को बहाना मिल जाता है कि कहीं ये व्यक्ति या हमारा जो समाज है, हमारी जो समिति है विरोध कर रही है, तो उसमें वो सहयोग करती है उनका, क्योंकि उन्हें तो रीजन चाहिए विरोध का सरकार का।
लेकिन मैं इस प्रकार के जो आंदोलन होते हैं इसमें राजनीतिक अराजनीतिक खत्म करके अराजनीतिक होना चाहिए। इसमें जैसे होता है हमारा जो उद्देश्य एक है तो लक्ष्य की ओर जाना चाहिए, हर व्यक्ति को जाना चाहिए। जैसे आपका है, हमारे स्वंत भैया हैं, मुकेश भैया हैं, धीरू भैया हैं, जो इस समिति से लगे हुए हैं, इन दोनों के प्रयास से जो इतना हुआ यहाँ पर आया है, इन दोनों के प्रयास से अधिकतर आया है, ये मैं गारंटेड बात कह रहा हूँ। जो इन्हें बिल्कुल गाँव गाँव गए हैं, मांग की है, व्यक्तिगत फोन की है, जब यहाँ पर आए हम लोग भी आए हैं, एकत्रित हुए हैं, तो उन्होंने मांग रखी। लेकिन कहीं ना कहीं जो भी मीटिंग होती है तो उसमें राजनीतिक गतिविधि उत्पन्न हो जाती है। जैसे यहाँ पर देखा होगा तो जो लोग थोड़ी रुष्ट भी हुए हैं कि हमारा सिर्फ लक्ष्य एक था स्वामी जी का महाविद्यालय बनाना, और होना भी चाहिए, क्योंकि राजनीतिक गतिविधि, स्वामी जी जब एक आंदोलनकारी थे स्वामी जी, तो उन्होंने आंदोलन की इस प्रकार भूमिका निभाई थी कि भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी ने बठिंडा स्थान पर कहा था पंजाब में कि मुझे यदि ये स्वभाव ऐसे मिल जाए तो मैं देश को बहुत पहले आज़ाद करा सकता था, वो स्वामी जी है। और बात कर रहे हैं हम एक विश्वविद्यालय की, अरे यार उनके नाम से तो प्रत्येक प्रदेश में एक विश्वविद्यालय होना चाहिए, एक बड़ी की बात क्या है। दूसरी चीज आपने जब संसद में गए, जब सांसद की भूमिका निभाई उन्होंने, तो सांसद में भी इस प्रकार की भूमिका निभाई, गोरक्षा के लिए कानून बनवा दिया, वे गोरक्षा के लिए कानून बनवा सकते हैं जमीन से जाकर, तो हम उनके लिए एक विश्वविद्यालय नहीं बना सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है विश्वविद्यालय बनाना। बात फिर आड़े कहाँ आ रही राम जी भाई? बात आड़े आ रही है, लेकिन कि दोनों जो समिति है, जो अपना अलग गतिविधि है, जो विद्यालय प्रबंधन समिति है, इनकी विचारधारा मतभेद है, ये दोनों सिर्फ एक ही समाधान है, बैठकर समझौता होना, क्योंकि जब पर विद्यालय प्रबंधन समिति इसमें सहयोग नहीं करेगी विश्वविद्यालय नहीं बनेगा। जब दोनों गतिविधियां साथ काम करेंगे जबी विश्वविद्यालय बन पाएगा, अधिकार इनके पास है। हम एक आंदोलनकारी हैं, हमारा काम जिस प्रकार सरकार के खिलाफ आंदोलन भगत सिंह लड़ते रहे, हम सिर्फ आंदोलन करेंगे, लेकिन मापदंड इनके पास हैं, तो ऐसी बात नहीं है महाविद्यालय नहीं बनेगा, महाविद्यालय बनेगा, प्रक्रिया डल चुकी है। आपने देखा होगा डॉक्टर इंद्रपाल अपनी जो भी गतिविधियां लेकर सीएम के यहाँ पहुंच चुके हैं, क्षेत्रीय विधायक के साथ उपलब्ध कराई हैं, मैंने वो लेटर भी पढ़ा है जिसमें प्रदेश से हैं, प्रदेश सरकार से निजी सचिव डॉक्टर अखिलेश मिश्रा जी द्वारा हमीरपुर डीएम साहब को लिखा गया है, और जमीन की भी गाटा संख्या बताया गया है कि जमीन को जो गाटा संख्या है उसको दिखाकर जमीन उपलब्ध कराई जाए। तो हाँ, जमीन उपलब्ध है, ऐसी बात नहीं जमीन नहीं है, आपको सभी को मालूम है हजारों एकड़ जमीन है इस संस्था के नाम, लेकिन अभी भी जो विद्यालय प्रबंधन है उनके अधिकार में रही है ये जमीन, अभी भी उनके अधिकार में, आज के समय पे भी, जब तक विश्वविद्यालय ने गतिविधि यहाँ पर लुकी हुई है, वो चाहते हैं राजकीय विश्वविद्यालय, कोई चाहता विधि विश्वविद्यालय, समझ पा रहे हैं, दो बात में मतभेद है, अभी मतभेद है राजकीय और विधि में। विधि विश्वविद्यालय रहेगा तो उसमें विद्यालय प्रबंधन समिति का कुछ वर्चस्व रहेगा, यदि राजकीय विश्वविद्यालय बन जाएगा तो उसका जो प्रबंधन समिति है इसका खत्म हो जाएगा। हमें भी ये चाहिए कि हमारा थोड़ी बहुत तो वर्चस्व होना चाहिए। अच्छा राम जी भाई, इस बात की क्या गारंटी है कि जैसे ये सरकार के अधीन हो गया तब इसमें धांधली नहीं होगी, इस बात की क्या मतलब, तब भी तो भ्रष्टाचार लिप्त हो सकता है जब विश्वविद्यालय अधिकारियों के हाथ में चला जाएगा? फिर ऐसा नहीं है, होता नहीं है, जैसे एक भी आप जो भी ले लीजिए, भ्रष्टाचार होने के लिए तो आज भी सब कहीं हो रहा है, लेकिन उसमें रुकावटें आ जाती हैं, क्योंकि वो गवर्नर के कब्जे में सीधे हो जाएगा। आप किसके पक्ष में? मैं तो विद्यालय बनवाने के पक्ष में हूँ, विश्वविद्यालय एक विश्वविद्यालय नहीं, प्रत्येक प्रदेश में विश्वविद्यालय होना चाहिए। बोल रहे हैं, मुझे थोड़ा ये चाहिए कि आप कहते सरकार के अधीन चाहते हैं कि जो प्रबंधन समिति उसी के अधीन रहे? नहीं, हम तो ये चाहते हैं, हम इनके भी साथ हैं, जल्द से जल्द विश्वविद्यालय बनना चाहिए, चाहे वो बनवाए चाहे जे बनवाए, नहीं तुम दोनों को खड़ा फेंकेंगे, खत्म बात, हम तीसरा मोर्चा खड़ा कर देंगे। और भी ये वहाँ है, मैं बाद में आऊँगा आपके पास। हाँ, इंजीनियर साहब से बात कर लेते हैं। रोबिन भैया, जिस तरह से ये आंदोलन में युवा ले रहे हैं, भाग ले रहे हैं, आज कितनी संख्या होगी? मैं तो अभी जाकर देखा, थोड़ा सा संख्या बताएं कितने युवा थे और कितना आपको आंदोलन लगा है आप संतुष्ट? संख्या बहुत कम है। अभी जैसे राम जी ने बताया कि विश्वविद्यालय की मांग अभी से नहीं, सन 1994 से जब मैं पैदा हुआ था तब से मैं सुन रहा हूँ कि विश्वविद्यालय बनना चाहिए, बनना चाहिए। जिस विश्वविद्यालय की जमीन हजारों एकड़ में हो, आप एक विश्वविद्यालय के लिए आप इतना सोच रहे हैं, इस समिति को अगर आज कहें आप तो ये समिति भी भंग हो सकती है और कल के दिन विश्वविद्यालय का शिलान्यास भी हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ राजनीति छोड़ दें ये लोग। जब तक राजनीति के तौर पर यहाँ पर धरना प्रदर्शन होते रहेंगे कभी विश्वविद्यालय नहीं बनेगा। लोग अपने राजनीति चमकाने के लिए स्वामी जी का नाम हमेशा लेते चले आए हैं और उनके नाम की राजनीति हमेशा होती आई है, आज यही हो रहा है। आज 200 लोग हैं, कल 150 लोग नहीं होंगे, ये ऐसे ही राजनीतिक तौर के धरने करते रहे, सिर्फ और सिर्फ इनको अपनी राजनीति करना है। जिस दिन ये स्वामी जी के पद चिन्हों पर चलना शुरू कर देंगे, मैं हकीकत बता रहा हूँ, एक विश्वविद्यालय नहीं, हर एक जिले में विश्वविद्यालय हो जाएगा, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। दूसरी चीज, स्वामी जी एक ऐसे अनुयायी थे
जिन्होंने एक पैसे को भी हाथ नहीं लगाया है, एक सन्यासी थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस समाज के लिए त्याग दिया, और आज वही समाज उनके नाम की राजनीति करता है। आपने देखा होगा सारे चुनाव उनकी नाम की राजनीति से शुरू होते हैं और उनकी राजनीति पे ख़त्म होते हैं। स्वामी जी के नाम लेकर हजारों नेता पैदा हो गए, उन्होंने अपनी रोटियां सेकी और अपना घर बनाया। आज एक विश्वविद्यालय की मुहिम छिड़ी है तो उसमें कोई यहाँ पे झांकने तक नहीं आया। ये कारण क्या है और ये कारण क्या हो सकता है, ये हमारे समाज को जानने की ज़रूरत है कि कौन से नेता स्वामी जी के नाम पर हमें ठगने का काम करते हैं और हम किन लोगों का साथ देते हैं, हमें ऐसे लोगों से किस तरीके से बचना चाहिए। उनके नाम की राजनीति करने वाले हर एक व्यक्ति को इस समाज से दूर रखने का हमारा काम होना चाहिए। वो हमारे इस समाज के बच्चों के भविष्य के लिए राजनीति करें, हम उनके साथ खड़े हैं। वो अपने बच्चों के भविष्य की राजनीति करेंगे, हम उनके साथ नहीं खड़े होंगे, हमेशा खिलाफ रहेंगे। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर ऐसे आंदोलन हमारे समाज के लिए हो रहे हैं तो मैं उनके साथ हूँ, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि मैं इस आंदोलन के थ्रू एक बड़ा राजनेता बन सकता हूँ तो मैं ऐसे आंदोलन का विरोध करने के लिए फुल तैयार हूँ। मैं अपनी वाणी यहीं समाप्त करता हूँ। तो ये हमारे राठ में, हमीरपुर ज़िले के राठ में जब भी कोई भी बड़ा चुनाव हो तो यहाँ से टिकट घोटना से लेकर स्वामी जी का आशीर्वाद से लेकर जब वो चुनाव जीत लेते हैं तब भी आशीर्वाद लेते हैं, उसके बाद स्वामी जी को क्यों भूल जाते हैं। बात यह है अभी भी युवा हमारे साथ हैं, कितने संतुष्ट हैं इस आंदोलन से। हाँ, यहाँ पे विश्वविद्यालय बनने चाहिए, हमारी यही पढ़ाई से दुआ सब लोगों से, जैसे छात्र देता हूँ। जैसे बिल्कुल, हाँ बोलिए जी। जैसे रॉबिन भाई ने बोला कि अभी भी यहाँ पे राजनीति जो हो रही है, तो इस राजनीति को आप कितना मानते हैं, यहाँ राजनीति हो रही है कि आंदोलन ही हो रहा है? ऐसा है कि देखो, राजनीति होगी तो इसमें युवा होंगे या बूढ़े होंगे कोई नहीं आएगा, क्योंकि देखो विश्वविद्यालय के लिए छोटा हो या बड़ा हो सब सहयोग करेंगे, और हमें यहाँ पे विश्वविद्यालय बनाना है जिससे हमारे बच्चे पढ़ेंगे आगे आके और हमारा पूरे देश में नाम होगा कि राठ में विश्वविद्यालय है। स्वामी जी ने यहाँ के लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, ऐसा नहीं है कि यहाँ के लिए, उनने पूरा अपना जीवन यहाँ के लोगों के लिए निछावर कर दिया है। मैं यही वाणी बाण करता हूँ, स्वामी जी अमर हैं। दादा बिल्कुल आपसे, दादा इधर आओ आप, माँ साहब बिल्कुल आप भी आ जाएं, दादा बगल में आ जाओ। माँ साहब कितना संतुष्ट हैं आंदोलन से? हाँ, आंदोलन जो हो रहा है ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन स्वामी जी के इस महाविद्यालय को विश्वविद्यालय बनाने के लिए आंदोलन होना चाहिए। यदि यहाँ पर राजनीतिक लोग कुछ बात कर रहे थे, वो हर व्यक्ति जानता है, जितने आदमी खड़े हुए हैं अनपढ़ कोई नहीं रह गया आज की तारीख में। तो हमारी सोच ये है कि अगर इस जन आंदोलन बनाए, समाज का आंदोलन बनाए, बच्चों के भविष्य का आंदोलन बनाए, तो ये विश्वविद्यालय अवश्य ही बनेगा। खुद योगी जी यहाँ पर पधार सकते हैं, ये मेरा दावा है, क्योंकि स्वामी जी के पास इतनी बड़ी धरोहर है, इतने बड़े विद्यालय, एक पंतनगर विश्वविद्यालय है जहाँ पर मैं नौकरी करता था, गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल से रिटायरमेंट हूँ जी माँ साहब। तो वहाँ पर जो राजकीय विद्यालय हमने बनाए हैं, ये एडेड कॉलेज थे, जैसे एडेड कॉलेज है ये, इसमें समिति और अध्यक्ष लोग काम करते हैं, लेकिन जो राजकीय विद्यालय होते हैं वो सरकार के हो जाते हैं, वो सरकार के अधीन हो जाते हैं, समाज का या अध्यक्ष का कमेटी का कुछ नहीं रहता है, उसमें केवल राजकीय होता है और चंद्र से पैसों में बच्चे पढ़ते हैं। तो जो राजकीय विद्यालय बनाना चाहते हैं ये, तो राजकीय विद्यालय बनाना बहुत अच्छी सोच है, इसमें मैं तहे दिल से उनका स्वागत करता हूँ, जो आंदोलन हो रहा है, और मैं सहयोग करने की भी आकांक्षा करता हूँ। अभी माँ साहब जैसे बात चल रही है, आप तो रिटायर्ड टीचर भी हैं, बात कहाँ फंस रही है, जैसे अभी कुछ दिनों पहले इंद्रपाल जी मिलने गए, इसमें अगर मैंने अभी उनको कहा था, योगी जी भी, मैंने अपना नाम दिया था इनको कि वहाँ पर मैं कुछ बोलूँगा, लेकिन मेरा नाम प्रपोज नहीं किया, क्योंकि ये राजनीतिक पॉइंट हुआ, मेरा भी नाम बोलना चाहिए, इतने लोगों का हो गया, मैं उठ करके नहीं, उठ करके मैं सामने आ गया, वहाँ से खड़ा होकर के यहाँ आ गया, क्योंकि मुझे वहाँ पर बोलने का अधिकार नहीं दिया गया। ये तो गलत बात है। सुनो पहले, कोई भी व्यक्ति है मंच, रुकिए आप बीच में मत बोलिए, ऐसा प्लीज आप मत बोलिए बीच में ऐसा ना डिस्टर्ब मत, जो बोलने का अधिकार होता है प्रत्येक व्यक्ति का है वहाँ पर। अब मैं स्वामी जी के बात बोल रहा था, अब मैं आपको अल्प छोटे थोड़ा सा सूत्र रूप में, गणित के सूत्र के रूप में बोल देता हूँ कि स्वामी जी ने जो ये बगीचा लगाया था, ये फूल रहा था, पुष्पान्वित हो रहा था, और उसका पूरे समाज को लाभ मिल रहा था, लेकिन उसमें कुछ जो रखवाले थे उन्होंने खाना शुरू कर दिया। इसीलिए जब मैं पढ़ रहा था उतनी ही बिल्डिंग बनी हुई है, जब मैं 1980 में यहाँ से BSc किया तो उतनी ही बिल्डिंग बनी हुई, कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है, तो ये बात आगे नहीं बढ़ पा रहा है।
तो ये चीज़ होनी चाहिए कि इसमें कम से कम 3,000-4,000 एकड़ जिसके पास ज़मीन हो तो कुछ विकास तो दिखाई देना चाहिए, लेकिन वो विकास नहीं दिखाई दे रहा है। वो हमें मतलब जो है बहुत दर्द हो रहा है उसका, इसीलिए आंदोलन हो रहा है। तो इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए मैं तो कहता हूँ कि जितने आदमी आए, हर व्यक्ति का एक एक साथी होता है। आज हम अकेले आए तो एक आदमी हम ला सकते हैं अपने साथी को कि भैया आप भी चलो, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आंदोलन तेज बने, और आंदोलन तेज बनने के बाद जब आंदोलन होते हैं तो निश्चित रूप से कोई सरकार हो, सरकार हमेशा जनतंत्र के सामने फेल है। अगर जनता उसके साथ है तो कोई भी आंदोलन सफल नहीं होता है। अन्ना हजारे ने किया था, वहाँ पर देखिए दिल्ली में उसको बैठा दिया केजरीवाल को, राजनीति चमक गई उनकी, उनकी राजनीति चमक गई, उन्होंने राजनीति चमका ली, लेकिन अन्ना हजारे ने काम किया वो बेचारा किनारे। कहीं ना कहीं मां साहब का ये भी कहना है कि हर आंदोलन से एक नेता निकलते हैं, ये भी कहना है। नेता तो निकलते ही है, राजनीति कहीं पर भी होता है, जो भी जो भी ये कार्य होता है। प्रधान जी बहुत दूर से आए, आप भी आ जाओ। तो प्रधान जी कितने संतुष्ट हैं, दादा आपसे भी बात करूंगा, कितने संतुष्ट हैं आंदोलन से, और स्वामी जी के जो महाविद्यालय को विश्वविद्यालय बनाने की मांग चल रही है, आप कितने संतुष्ट हैं, आंदोलन को बिल्कुल सही दिशा मिल रही है? बिल्कुल सही दिशा है, लेकिन जो राजनीतिक तत्व हैं, जो कमेटी है, मैं इसको दोष दे रहा हूँ। अच्छा, ये सहमत नहीं है, जिस दिन कमेटी सहमत हो जाएगी इस बनाने के लिए, विद्यालय विश्वविद्यालय राज्य प्रबंधक समिति, उस दिन विश्वविद्यालय बनेगा। और हमने ठाना है जब तक नहीं बने जब तक लड़ाई लड़ते रहेंगे। क्षेत्र में गांव गए थे, जन आंदोलन ले आए, अभी हम अकेले 4-5 लोग आए हैं, भैया 50 की भीड़ गांव से लेके जाऊंगा। गांव का नाम और विजयपुर, पूर्व प्रधान धीरेन्द्र राजपूत। आप मां साहब अपना नाम बता दें। प्रिंसिपल साहब जयपाल सिंह। जयपाल सिंह, दादा बिल्कुल आपसे भी बात करूंगा, आप भी आ जाए बगल। दादा नाम बताओ अपनो। मोकरिया नाम है। हाँ, कहाँ से दादा? अकोना का। अकोना से आए हैं दादा, काय आए थे बताएं हमें, काय आए थे? ये विद्यालय बनना है। हाँ, विश्वविद्यालय। हाँ, उनके पर्चा पा करके हम यहाँ आए हैं। दादा किराए से आए? कोई लुभाव? किराए से आए, इतने चल के आ गए। उम्र कितनी है दादा? 70-75 की लगभग है। तो जो विश्वविद्यालय बनो चाहिए ना बनो चाहिए? बनो चाहिए साहब। हैं? बनो चाहिए। इसे क्या फायदा होगा? सब किला का दूर जा रहे हैं तो वहीं घर यहीं पढ़ रहे हैं तो, और बहुत अच्छा है। ये हमारे स्वामी जी की देन है कि आज इतने बुजुर्ग हैं वो भी अपना अच्छा बोला जानते हैं केवल शिक्षित होकर, क्योंकि अगर यहाँ विद्यालय पर इस समय, उस समय स्थिति ऐसी थी कि यहाँ पर पोस्टमार्टम घर थे, उस समय ऐसी स्थिति थी, तब स्वामी जी ने ये विद्यालय बनाया। आज जो शिक्षित है, आज स्वामी जी को एक विश्वविद्यालय उनके बनाए, उनके अनुयायी लड़ रहे हैं विश्वविद्यालय को महाविद्यालय बनाने के लिए, कम से कम ये मांग तो पूरी होनी चाहिए। क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल पूरी होनी चाहिए। हाँ। और स्वामी जी नाम बताएं अपना। नाम अवधेश प्रताप यादव। अच्छा यादव जी। हाँ, मैं राठ से हूँ, राठ में ही रहता हूँ। अच्छा, और जो लोग इसको राजनीति के तौर पे देख रहे हैं और शिक्षा के लिए अगर वो राजनीति के तौर पे देख रहे हैं तो ये गलत है। शिक्षा सभी का अधिकार है, और विश्वविद्यालय अगर बनेगा तो हमारे क्षेत्र के लोग यहाँ विकास करेंगे, पढ़ेंगे, बच्चों को दूर नहीं जाना पड़ेगा। और ये तो अपने अपने देखने का नज़रिया है कि कोई भी अगर प्रदर्शन करता है, धरना प्रदर्शन करता है, तो वो राजनीतिक तो हो ही जाता है, क्योंकि जब तक हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कहीं ना कहीं प्रबंधक कमेटी के बीच में और विश्वविद्यालय बनने के बीच में जो पेच फंसा हुआ ज़मीनी विवाद का। और मैं कहना चाहूँगा यहाँ जो निमंत्रण दिए हुए थे प्रबंधक कमेटी को कि ये धरना प्रदर्शन में सभी शामिल हों, धरना प्रदर्शन के लिए सभी लोगों को बाकायदा कार्ड पहुंचाए हुए थे कि जो विश्वविद्यालय बनने की जो प्रबंधक कमेटी सदस्य है वो एक भी सदस्य यहाँ नहीं आए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनकी मंशा भी साफ नहीं है। जो स्वामी जी की इतनी ज़मीन पड़ी हुई है, खेल मंत्री उमा भारती थी तब भी उन्होंने कहा था कि मैं स्टेडियम बनवाऊंगी तो ज़मीन दे दीजिए, तब भी इन लोगों ने ज़मीन नहीं दी, उसमें नाम का पेट फंस गया और ज़मीन नहीं दी उन्होंने। अगर खेल स्टेडियम बन जाता तो कॉरपोरेशन विभाग, कॉरपोरेट विभाग, या कितना विकास होता, रेल लाइन जमाने की निकल जाती है। आज या हर चुनाव में मुख्यमंत्री आते हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार हो, चाहे वो बीजेपी की पार्टी हो, जब भी यहाँ रैलियाँ होती हैं, रेल लाइन, बस स्टैंड, टर्मिनल बनेगा, रेल लाइन की घोषणा होगी है, ज़मीनें होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ हवा हवाई चुनाव के दावे हैं। और स्वामी जी के नाम पर यहाँ कितने नेता आए, बड़े से बड़े नेता यहाँ पे स्वामी जी के यहाँ माता टेका, राजनाथ सिंह आए, बीबी गिरी, राष्ट्रपति भी यहाँ आए हैं, और अटल बिहारी वाजपेयी भी हो चुके हैं। स्वामी जी तो इंदिरा जी को यहीं बगल में बुलाते हैं, इंदिरा जी के यहाँ बिल्कुल साथ बैठते थे। और आज हमारा क्षेत्र इतना पीछे रह गया, माता टेकती थी स्वामी जी, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार तो है। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है। और ये पूरा राजपूत बाहुबली क्षेत्र है और सारे कमेटी के मेंबर ही शायद राजपूत है मेरे हिसाब से। अच्छा, तो ये विश्वविद्यालय बनना चाहिए और सभी मेंबरों को यहाँ आना चाहिए धरना प्रदर्शन में। अगर कोई गलत नहीं है
तो आप अपनी बात मंच पर रख सकते हैं, जनता के सामने रख सकते हैं। यहाँ 100 लोग आए, 50 लोग आए, पूरे लोग गांव में, यहाँ राजपूत वर्ग 85% है। घर से निकलना अगर चालू हो जाएंगे तो आप जवाब नहीं दे पाओगे प्रबंधक कमेटी। बिल्कुल, ये बात यादव जी बहुत इतनी कमाल की बात की है उन्होंने कि कम से कम यहाँ पर पूरा राजपूत बहुबल क्षेत्र है और कमेटी में भी पूरे राजपूत हैं और स्वामी जी भी राज हैं। उनके तो जाति का कोई नाम ही नहीं, उन्होंने तो सबके लिए काम किया। स्वामी जी सबके हैं और शिक्षा भी सभी लोगों को, हर वर्ग को मिली है यहाँ से। शिक्षा किसी एक वर्ग को नहीं मिलेगी, कोई हिंदू मुस्लिम के बच्चों को नहीं मिलेगी, सभी वर्ण धर्म जाति की व्यवस्था जो आधारित की है संविधान में, सभी को शिक्षा का अधिकार है। और मेरा मानना है जो शिक्षा पढ़ेगा वो धाड़ेगा, बोलेगा और आवाज़ उठाएगा। अगर यहाँ आवाज़ उठा रहे हैं लोग और कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ राजनीतिक हो रही है, तो उनका देखने का नजरिया मैं कहता हूँ वो भी कहीं ना कहीं किसी विचारधारा से जुड़े होंगे और हम भी समाजवादी विचारधारा से जुड़े हैं। तो मेरा कहना है धरना प्रदर्शन होना चाहिए और आवाज़ उठाना चाहिए और कहीं ना कहीं प्रबंध कमेटी को साफ करना चाहिए। टोला की ज़मीन क्यों दी गई है? अगर विश्वविद्यालय बनेगा तो वहाँ जो मेन रोड की ज़मीन हमारे यहाँ 100 एकड़ पड़ी है, काफी 300 एकड़ जमीन पड़ी है, मेन रोड पे देंगे तो बच्चों को आसानी होगी ट्रेवल करने में, पढ़ने लिखने में। आप टोला की जमीन दिखा रहे हैं तो क्या साबित करना चाहते हैं? कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार तो सबको लग रहा है। और इस कमेटी में 3 पीढ़ियों से बराबर मेंबर बनते आए हैं, क्या तीनों पीढ़ी की कॉलिजियम चला आ रहा है? ये कॉलिजियम बहुत बड़ी व्यवस्था होती है कि पीढ़ी दर पीढ़ी उसको चाबी सौंपना, जिससे एक खुला मंच भी रहेगा सब लोगों को, जात पर उसमें रहेगा। अगर आप एक जात पे कोई चीज करते हो तो वो जातिवाद हो जाती है। और कॉलिजन तो चल ही रहा है यहाँ पे, एक पीढ़ी से प्रबंधक बन रहे हैं, एक पीढ़ी से लोग सदस्य बन रहे हैं। जिन लोगों ने 90-90 बीघा जमीन दान की है आज वो सदस्य भी नहीं है, तो वो तो साफ झलक रहा है। तो बड़ा इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं लोग और भीड़ कम से कम यहाँ काफ़ी हो गई थी और ये अच्छी बातें बोली गई हैं। आप कितना सहमत हैं स्वामी ब्रह्मानंद महाविद्यालय को विश्वविद्यालय बनाने के लिए? आप जुड़े थे जनता का राज के साथ, मेरा नाम है अवधेश, बहुत बहुत धन्यवाद।